इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कल के लिए आप हिमावारी और शिनचैन का ध्यान रखें, ठीक है हैरी? अरे लेकिन कल तो मेरी छुट्टी थी मिट्सी, और मैं सोच रहा था कि मैं कल गोल्फ खेलने चला जाऊंगा। रहने भी दीजिए ना, अगर आप वहाँ जाएंगी तो आप बहुत थक जाएंगी मॉम। तुम बहुत काम करती हो, आराम भी तो करना चाहिए। डैड आप भी गोल्फ खेल के क्या करेंगे, आपको भी तो आराम की जरूरत है ना? चुप रहो शिनचैन। आप लोग ये सब इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि कल संडे है, और अगर मैं घर पर नहीं रहूंगी तो सारा काम आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, काम से क्या डरना, मैं तो बस वो मैं सब समझती हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम पास में जो नया मॉल खुला है वहाँ जाएं तो फिर बहुत मजा आएगा, है ना डैड? अरे वहाँ पर तो बहुत ही कमाल की खाने की चीजें मिलती हैं। आपको पता है वहाँ खाने के फ्री सैंपल भी मिलते हैं जिन्हें खाने के बाद पेट बुरी तरह से भर जाता है। बहुत सारा खाना, बहुत सारा। चुप रहो। मैं कल वहाँ पर इसलिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि कल वहाँ पर सैंपल फूड सेल लगेगी। सैंपल फूड सेल? जब मैं कल वहाँ काम करूँगी तो मुझे पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, फिर हम लोग अच्छी सी पार्टी करेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हेलो, तो आप काम करने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। तो बताइए फिर मुझे क्या करना है? आप ऐसा करिए, पहले ये कपड़े पहन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे कपड़े हैं? सर क्या ये जरूरी है कि मैं ये कपड़े पहनूं? हाँ मिसेज नुहारा, आपको ये कपड़े पहनने ही होंगे। जो काम मैं आपको देने वाला हूँ उसके लिए ये बहुत जरूरी है। क्या मतलब आपका? आपको बच्चों के साथ खेलना है ना? मुझे तो लगा था कि मुझे सैंपल फूड वाले काउंटर पर खड़ा होना होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये कपड़े पहनकर बच्चों के साथ रॉक पेपर सीजर खेलना है। तो बच्चों आप सब लोग तैयार हैं? रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। मैं जीत गई। क्या बेकार का काम है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो बच्चों आप सबको मजा आ रहा है ना ये गेम खेलने में? बहुत मजा आ रहा है। अरे रुक जाओ शिनचैन बेटा, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिनचैन आ रहा है, मैं 5 साल का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ, मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है। तुम यहाँ किसके साथ आए हो? डैड के साथ, और मेरी मॉम भी यहीं पर है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है। मॉम मॉम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं तो प्लीज बाहर आ जाइए ना, मुझे भी सैंपल वाला खाना खाना है मॉम। देखो बेटा रो मत, तुम्हारी मॉम आ जाएंगी। शिनचैन ना कभी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है तुमसे बाहर आकर बेकार की बातें मत किया करो, माफ कर दीजिए हमें। लगता है पिगी को हमारी बात बुरी लग गई। ऐसा ही लगता है मुझे भी। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग खेलना शुरू करते हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप तैयार?